चलिए बनाते हैं मसालेदार मक्की की रोटी। अच्छा इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने एक कप डाला है पानी और उसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक डाल दिया है और मैंने हाफ टी स्पून डाले चिली फ्लेक्स। फिर मैंने एक गाजर लिया जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, वो डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन खाना नहीं पसंद करते तो आप लहसुन आप स्किप कर दीजिए, आप बिना लहसुन के भी बना सकते हैं। फिर मैंने इसमें ढेर सारा धनिया डाल दिया है कटा हुआ और फिर मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम एक बॉईल आने देंगे। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तब इसमें डालेंगे मक्के का आटा। हमने इसमें 2 कप मक्के का आटा डाला है, 1 कप पानी डाला था और 2 कप हम इसमें मक्के का आटा डालेंगे। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम इसके लिड से कवर करके 10-15 मिनट तक हम इसको रख देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ये बहुत ठंडा हमें नहीं करना है, इतना ही ठंडा करना है जितना हम इसको हाथ से छू सकें। फिर इसको मसल मसल के चिकना सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे और उसके बाद इसका हम एक लोई काटेंगे और इसकी हम एक रोटी बना लेंगे। रोटी हम तवे गरम तवे पे डाल के उलट पलट करके हम फिर गैस में इसको सेक लेंगे। लीजिए लीजिए गर्मा गर्म मक्के की रोटी बनके तैयार।